Amazon.com एक सतत सक्रिय ऑनलाइन स्टोर है जो पुस्तकें, चलचित्र, खेल, डीवीडीयां, संगीत सीडियां, मोबाइल फोन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अन्य सामान बेचते हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा सतत सक्रिय स्टोर है। ये जेफ बेजोस द्वारा 1996 में प्रारंभ किया गया था। इसका मूल नाम था cadabra.com, पर बाद में इसका नाम amazon.com कर दिया गया। स्टोर का नाम दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम पर रखा गया। ई कॉमर्स ने हर व्यक्ति को बहुत सी सुविधाएं, जैसे ऑनलाइन सामान खरीदना, सामान की घर पहुंच सेवा, सामान ना पसंद आने पर वापसी की सुविधा प्रदान की है, जिससे पैसे व समय दोनों की बचत होती है। ई कॉमर्स की दुनिया में अमेज़न भी बहुत ही चर्चित या प्रसिद्ध कंपनियों में से एक है। नमस्कार, क्विक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस कैसे बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हाउ डिड अमेज़न्स ओनर जेफ बेजोस बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। जेफ बेजोस एक ऐसी शख्सियत जिसकी सोच बहुत ही ऊंची थी। जिस समय जेफ बेजोस ने अमेज़न की स्थापना की, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ई कॉमर्स या इंटरनेट का व्यापार या ऑनलाइन शॉपिंग इतना आगे जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पूरी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर हो जाएंगे। बहुत ही दूरगामी सोच रखने वाले ऐसे व्यक्ति ने जुलाई 1994 में अपनी कंपनी कैडबर को एक साल बाद अपने वकील से इसका नाम परिवर्तन कर अमेज़न किया। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी का इतना भिन्न नाम इसलिए रखा क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम अमेज़न था। ठीक उसी तरह जेफ बेजोस ने अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारी कंपनी खोलने की योजना बनाई थी। सबसे पहले अमेज़न कंपनी ने बुक से अपना व्यापार प्रारंभ किया। धीरे धीरे इंटरनेट के बढ़ते उपयोग और लोगों की जरूरत को देखते हुए सभी चीजों का व्यापार अपनी इस कंपनी के माध्यम से प्रारंभ किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल्स, क्लोथ्स, होम अप्लायंसेस और भी ऐसी वस्तु जो कि जीवन में आवश्यक हो। सुई से लेकर जहाज तक, यानी छोटी से लेकर बड़ी वस्तु उपलब्ध होगा। अमेज़न ने धीरे धीरे कर एक विशाल रूप ले लिया था, जिसके चलते कंपनी को अकेले नहीं चलाया जा सकता था। उसके लिए अन्य मेंबर्स की भी आवश्यकता होने लगी, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उनको उनका पद और कार्यभार सौंप दिया गया। 2013 के एक सर्वे के बाद जो नाम सामने आए, उनमें से कुछ प्रमुख लोगों के नाम जेफ बेजोस, प्रेसिडेंट, चेयरमैन व सीईओ, जॉन सीली ब्राउन, विजिटिंग स्कॉलर एंड एडवाइजर, टॉम एल्बर्ग, मैनेजिंग पार्टनर, जमी गोरेलिक, पार्टनर, बिंग गॉर्डन, पार्टनर, पैटी स्टोनेसिफेर, पार्टनर, थॉमस ओरिडर, पार्टनर। अमेज़न एक ऐसी कंपनी है जो कि किसी वस्तु का स्वयं निर्माण नहीं करती, अभी तो उसे अलग अलग कंपनियों से उचित मूल्य पर खरीदती है और फिर उसे अपने अनुसार बेचती है। अमेज़न पर किताबें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बच्चों से लेकर बड़े तक की प्रत्येक जरूरत का सामान, घर की छोटी बड़ी सभी वस्तुएं, मोबाइल, कंप्यूटर और उससे संबंधित सभी टूल्स, गहने, मोटर व्हीकल, किराने का सामान, सभी छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है, जिसे खरीदने के लिए कई ऑफर्स हर दिन होते हैं। सर्विसेज के मामले में बहुत सारी सुविधाएं, कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट और भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। सामान ना पसंद आए या कुछ मिस्टेक होने पर वापसी और कैशबैक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। रेवेन्यू भी मुनाफा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अमेज़न जिस भी कंपनी का सामान बेचती है, बदले में उससे रेवेन्यू के रूप में कुछ प्रतिशत प्राप्त कर मुनाफा कमाती है। किसी भी कंपनी को विस्तारित करने के पूर्व उस कंपनी का मुख्यालय या प्रमुख केंद्र खोला जाता है। उसके बाद उस कंपनी का विस्तार होता है, जिसके लिए उस कंपनी की ब्रांच खोली जाती है और ऐसे विस्तार किया जाता है। सबसे पहले अमेज़न का मुख्यालय सिएटल में खोला गया। कंपनी ने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग देशों में अपना विस्तार किया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर के रूप में अपने सेंटर ओपन किए। विश्व के कई देशों में इसके सेंटर हैं। हानि लाभ हर छोटे से छोटे व्यापार का असूल है। उसी तरह तरक्की के बीच अमेज़न कंपनी को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी कंपनी ने अपनी साख बनाए रखी और ख्याति पूरे विश्व में फैलाई, जिसके चलते कंपनी ने पिछले वर्षों में 600 मिलियन से भी ज्यादा की आय प्राप्त की है। यही नहीं, जहां आज के समय में रोजगार की इतनी समस्या है,
वहां इस कंपनी ने 2,00,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी दी है। दिन प्रतिदिन अनेक सुविधा देकर ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के साथ लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत करा रहा है। आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना बेहद पसंद करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने के कई सारे फायदे भी होते हैं, जैसे आप बिना कहीं जाए आसानी से कोई भी वस्तु अपने घर पर बैठे बैठे खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग करने से आपको कई सारी चीजों पर काफी छूट भी मिलती है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग की लोगों के बीच बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए काफी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां कई सारी सुविधा अपने ग्राहकों को देती हैं। इन्हीं सुविधाओं में से एक सुविधा है अमेज़न प्राइम की। आज हम इस वीडियो में ये भी आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अमेज़न प्राइम की सुविधा का फायदा ऑनलाइन शॉपिंग करते समय उठा सकते हैं। अमेज़न प्राइम अमेज़न की एक प्रीमियम सेवा है जिसका लाभ कुछ भुगतान देकर कोई भी उठा सकता है। भुगतान देने के बाद कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन जाता है। इस सेवा से अमेज़न खरीदारों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। वहीं अमेज़न प्राइम सुविधा को सबसे पहले अमेज़न कंपनी द्वारा अमेरिका में शुरू किया गया था। अमेरिका में इसके सफल होने के बाद इसको पूरी दुनिया में भी शुरू किया गया। अमेज़न प्राइम का सदस्य बनने के बाद आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं और उन्हीं फायदों में से कुछ फायदे हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, अगर आप अमेज़न के प्राइम सदस्य बन जाते हैं तो आपको वस्तुओं पर निशुल्क शिपिंग की सुविधा मिलती है। हर बार जब आप किसी चीज का ऑर्डर देते हैं तो आपको वो चीज एक या दो दिन के अंदर डिलीवरी कर दी जाती है, वो भी बिना कोई शिपिंग का भुगतान किए। ये डिलीवरी की सुविधा भारत के 100 से अधिक शहरों में दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद में से किसी एक शहर में रहते हैं तो आपको अपनी वस्तु की डिलीवरी उसके ऑर्डर करने वाले दिन ही मिल जाती है। वहीं अगर आप अमेज़न सदस्य नहीं हैं और आप एक या दो दिन में किसी वस्तु की शिपिंग करवाते हैं तो आपको 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। दूसरा, सबसे अच्छा फायदा अमेज़न प्राइम का सदस्य बनने का है वो है कि आपके लिए कोई भी न्यूनतम ऑर्डर राशि की सीमा नहीं है। आप अगर 100 रुपए की भी कोई वस्तु ऑर्डर करते हैं तो आपको उसके लिए कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। वहीं अगर आप इसके सदस्य नहीं हो तो आपके लिए न्यूनतम ऑर्डर राशि लागू होती है जिसके चलते आपको कम से कम 500 रुपए की वस्तु का ऑर्डर करना पड़ता है। वहीं इससे कम के ऑर्डर पर आपको 50 रुपए की डिलीवरी राशि देनी होगी। तीसरा, जो डील अमेज़न की तरफ से शुरू की जाएगी उसका फायदा सबसे पहले इसके प्राइम सदस्यों को मिलेगा। किसी भी डील के शुरू होते ही उसका फायदा प्राइम सदस्य 30 मिनट पहले उठाना शुरू कर सकते हैं। वहीं जो प्राइम सदस्य नहीं है वो बाद में इस डील का मजा ले सकते हैं। चौथा, प्राइम सदस्य बनने से न केवल आपको शॉपिंग करने में काफी लाभ मिलेगा बल्कि आप कोई भी फिल्म या फिर टीवी शो ऑनलाइन जाकर प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकेंगे। आप कहीं भी इन प्राइम वीडियो का मजा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, प्राइम वीडियो में आपको बॉलीवुड के अलावा क्षेत्रीय या फिर हॉलीवुड फिल्में भी देखने को मिलेंगी। बस आपके पास फोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्ट टीवी होना चाहिए और आप नीचे बताए लिंक पर जाकर नई फिल्मों का मजा उठा सकते हैं। www.primevideo.com। अगर आप अमेज़न की प्राइम सदस्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप www.amazon.in लिंक पर जाएं। अमेज़न की वेबसाइट के इस लिंक पर जाकर आपको ऊपर की ओर ट्राई प्राइम लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करें, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा। आपको उस पेज पर लॉगिन टू ज्वाइन लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही फिर एक और पेज खुलेगा जहां पर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी। पूछी गई जानकारियों को भर के आप इसके सदस्य बन सकते हैं। आपको पहले 60 दिन के लिए अमेज़न प्राइम सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। इन 60 दिनों में आप इस सुविधा से मिल रहे फायदों का लाभ उठा सकते हैं। वहीं 60 दिनों के बाद अगर आप इस सुविधा को चालू रखना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। 60 दिन की ट्रायल के बाद अगर आप प्राइम सुविधा बरकरार रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। अमेज़न ने इस सुविधा के लिए 999 रुपए की राशि का भुगतान तय किया है। ये भुगतान देते ही आप 1 साल के लिए अमेज़न प्राइम सदस्य बन जाएंगे। वहीं इससे पहले ये भुगतान 499 रुपए का था जो कि इस साल अक्टूबर से बढ़ाकर 999 रुपए प्रति वर्ष कर दिया था। इसी तरह अमेज़न धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फोर्ब्स ने 2018 की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है जिसमें ई कॉमर्स कंपनी
अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस फोर्ब्स की ताज़ा लिस्ट में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स के साथ साथ बिल गेट्स को पीछे छोड़ के ये उपलब्धि अपने नाम की है। उनकी कुल संपत्ति $105 बिलियन हो गई है। उनकी संपत्ति का ज्यादा हिस्सा अमेज़न के 7.8 मिलियन शेयर से आता है जो उनके हिस्से है। 53 वर्षीय जेफ बेजोस की जिंदगी काफी संघर्ष भरी रही है। बचपन से ही वो काफी एक्टिव रहे हैं। बचपन में वो घर की चीजों को खोलकर फिर फिट कर दिया करते थे। उनकी मेहनत की बदौलत आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। एक वक्त ऐसा था जब उनके पास पैसों की तंगी थी। बचपन भी काफी संघर्षों के साथ बीता। उनके माता पिता की शादी होने के एक साल बाद ही दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर दिया। तलाक का कारण उनके पिता की शराब पीने की आदत थी। जब वो 4 साल के थे तो उनकी माँ ने दूसरी शादी मिगुल माइक से कर ली। मिगुल ने कानूनी रूप से उन्हें गोद ले लिया। उनका बचपन नाना के साथ बीता। उनके नाना ने ही उनको कंप्यूटर चलाना सिखाया। बचपन से ही जेफ काफी पढ़ाकू थे। वो हमेशा ही पढ़ाई करते रहते थे जिसको देख उनके माता पिता काफी चिंतित रहते थे। उनको लगता था कि उनका बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही ना रह जाए, इसलिए उन्होंने जेफ को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने बीच में डिग्री छोड़ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जेफ को हमेशा ही कुछ अलग करने का मन था। पढ़ाई के बाद उन्होंने कई जगह जॉब की, लेकिन उनका मन नहीं लगा। सबसे पहले उन्होंने अपना खुद का काम गैरेज में शुरू किया। बिजनेस चल पड़ा तो उन्होंने कंपनी को नाम देने का सोचा। सबसे पहले उन्होंने कैडाब्रा और फिर relentless.com जैसे नाम सोचे, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने साउथ अमेरिकी नदी अमेज़न से प्रेरित होकर उन्होंने कंपनी का नाम अमेज़न रखा, जिस पर मुहर लग गई। 2007 में कंपनी को बड़ी उपलब्धि हासिल की। ऑनलाइन बिजनेस में उनकी कंपनी ब्रांड बन चुकी थी। इसके बाद जेफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कंपनी को आगे बढ़ाते चले गए और आज उनकी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। मेक्सिको में पैदा हुए जेफ ने 1994 में अमेज़न की स्थापना की थी। हालांकि पहले इस पर सिर्फ किताबें बिका करती थी। उन्होंने अपनी मोटर गैरेज से अमेज़न की शुरुआत की थी और आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस बेल बटन को जरूर दबाएं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।